हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज मैं आपको होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग वाला चैप्टर है, उसमें जो आपके टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैं आपके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के आपके रिजल्ट आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो तुरंत अपना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट पर जा कर के अपना रिजल्ट देख लें। इसके अलावा आपका जुलाई माह में फिर से आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, सो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो जिसमें कि आपका सेकंड सेमेस्टर में आपके जो पेपर्स होंगे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो सभी आपके पेपर्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, जिसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 35 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। तो ये तो आपकी बेसिक जानकारी हो गई कि आपके एग्ज़ाम कब हैं, रिजल्ट आपका आ चुका है और कैसा आपका पेपर होगा। तो अब टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के ऊपर मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए थे जो कि मैंने अपलोड किए थे, आपके ग्रुप में भी मैंने डाले थे, सो आप लोग सभी लोग देख लें उसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा तो आपके पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि आपको मैंने कोई गांठ बांटना यानी कपास से रिलेटेड बहुत सारे आपको मैंने बताए थे। तो अब मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जैसे कि एक होता है आपका टेंटरिंग, तो टेंटरिंग होता क्या है। तो जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो उसकी जो एक प्रोसेस होती है वस्त्र निर्माण की, उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब वस्त्र की लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई में जो असमानता आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ होता है वो कहलाती है हमारी टेंटरिंग। अब बात करते हैं कैलेंडरिंग की, ये क्या होता है। तो जब वस्त्र क्या होता है, जब हमारा बनता है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा हो जाता है, तो उसको चिकना करने के लिए जो परिसज्जा दी जाती है या जो फिनिशेस दी जाती है उसको हम कहते हैं कैलेंडरिंग। बात करें तीसरी, मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग क्या होता है, तो ये भी हमारी वस्त्र की जो सतह होती है, जो ऊपरी सतह होती है, उसको चिकना जो किया जाता है, उसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग बहुतायत से किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम मर्सराइजिंग कहते हैं। यानी जो टेंडरिंग होती है वो क्या होती है, चौड़ाई में जो असमानता उत्पन्न हो जाती है उसको दूर करने की जो परिसज्जा होती है उसे टेंडरिंग कहते हैं। कैलेंडरिंग और मर्सराइजिंग एक जैसी होती है, लेकिन जो मर्सराइजिंग होती है वो हम केमिकल के द्वारा उसे देते हैं, कैलेंडरिंग में हम एक तरीके से स्त्री जैसा ही करते हैं। तो ये आपकी वस्त्र की सतह को चिकना बनाने के लिए की जाती है। अब आते हैं हमारा साइजिंग। साइजिंग क्या होता है, तो वस्त्र की सतह पर जो अशुद्धियाँ होती हैं उन पे जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वस्त्र के सतही दोषों को छुपाने के लिए जो प्रक्रिया दी जाती है वो कहलाती है साइजिंग। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्त्र के सतही दोषों यानी सतह पर जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उनको छुपाने के लिए कौन सी परिसज्जा दी जाती है, तो दी जाती है हमारी साइजिंग। इसके बाद आती है मोयरिंग की। तो लहरदार नमूने अगर आपने देखे होंगे, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिन पे जो नमूने या डिज़ाइन बनी होती है वो काफ़ी लहरदार होती है, तो वो जो लहरदार डिज़ाइन बनी होती है उसको हम बोलते हैं मोयरिंग। इसके बाद बात करते हैं विरंजन की। तो विरंजन यानी ब्लीचिंग जिसको हम बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं, आपने देखे होंगे कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं तो उन पर पीलापन भी दिखाई देता है, कभी कभी वो पीले दिखाई देते हैं, सफ़ेद ज़्यादा नहीं होते हैं, उज्जवल नहीं दिखाई देते हैं, तो उनकी इन दोषों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हें ब्लीच करते हैं। तो इस ब्लीच करने की जो हमारी परिसज्जा कहलाती है, यानी सफ़ेद जो कपड़े, सिर्फ सफ़ेद कपड़ों पर ये की जाती है इनके पीलेपन को दूर करने के लिए, उन्हें उज्ज्वल साफ सफ़ेद बनाने के लिए ये इस परिसज्जा को हम देते हैं, जिसे विरंजन या ब्लीच हम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एक नैपिंग होता है। तो जो नैपिंग का अर्थ होता है रुएं उठाना। तो जब वस्त्र की सतह पर देखा होगा कुछ टॉवल आती हैं और कुछ कपड़े भी ऐसे आते हैं उन पर रुएं उठे हुए आपको नज़र आते हैं, तो ये जो रुएं उठे होते हैं इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नैपिंग।
इसके बाद आता है आपका एक इस्त्री करना। तो इसमें क्या होता है कि इस्त्री आपने देखा होगा, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी हम इस्त्री करते। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उसमें कपड़ों में नवीनता आ जाती है, ताजगी आ जाती है। तो इसके लिए वस्त्रों पर इस्त्री की जाती है। तो क्या होता है, जो कपड़े बनते हैं उस टाइम बहुत ही वो काफ़ी गंदे खुरदुरे मुड़े जुड़े होते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए इस्त्री प्रक्रिया की जाती है। फिर एक आपका आता है परिष्कृत करना। परिष्कृत करने से आपका तात्पर्य है कि वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने हेतु जो प्रोसेस की जाती है वो हमारी कहलाती है परिष्कृत करना या उसे फिनिशिंग देना। तो ये आपके जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में आपके टेम्परिंग, कैलेंडरिंग, मर्सराइजिंग, साइजिंग, मोयरिंग, व्रंजन, नैपिंग, इस्त्री करना, परिष्कृत करना, ये क्या होता है ये आज आप लोग जान चुके हैं। क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाएंगे कि व्रंजन से आप क्या समझते हैं, उन्होंने चार ऑप्शन दे दिए, तो आप बता सकते हो कि व्रंजन क्या होता है। सफ़ेद कपड़ों पर जो है ताजगी लाने के लिए दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए नैपिंग क्या होता है तो आप बता देंगे कि रोए उठाने को हम नैपिंग बोलते हैं। टेंपरिंग पूछा जाए, कैलेंडरिंग पूछा जाए, अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है इन शब्दों से रिलेटेड तो आप जानते हैं और आप